फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू खाना खजाना विद सुनीता। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्रिसमस और न्यू ईयर पे ये बहुत ही टेस्टी फ्रूट एंड नट केक रेसिपी। और इस केक को बहुत ही इजी तरीके से आप घर पर बना सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी नए वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास आए। तो केक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें मैंने बादाम लिए हैं हाफ कप, यहाँ पर मैंने काजू लिए हैं, पिस्ता लिए हैं मैंने, और हाफ कप यहाँ पर मैंने किशमिश ली है। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप पिसी हुई चीनी। तो लो फ्लेम पर हम चीनी को चलाएंगे जब तक कि ये मेल्ट ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं चीनी जो है मॉइस्चर छोड़ने लग गई है और थोड़ी देर में ये मेल्ट हो जाएगी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो गई है, थोड़ा इसका कलर भी चेंज हो गया है और लो फ्लेम पर यहाँ पर मैंने इसे चला रखा है। तो अब इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप पानी। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी मैंने इसमें अभी डाला है और थोड़ा सा और डाल रही हूँ और अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है और लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए और हम इसे चलने देंगे। तो अब इसमें ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर मैंने बादाम को ऐसे मोटे पीसेस में कट कर लिया है और किशमिश को भी यहाँ पर मैंने दो पीसेस में कट कर लिया है। काजू भी इसमें डाल देंगे चॉप करे हुए और यहाँ पर पिस्ता भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। और सभी ड्राई फ्रूट्स को हम चाशनी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पर से थोड़ी देर के लिए और चलने देंगे। तो बस यहाँ पर जो चाशनी है ड्राई फ्रूट्स के साथ अच्छे से मिक्स हो गई है और अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक कप मिल्क और इसमें मैं डाल रही हूँ एक चम्मच विनेगर। विनेगर डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक चम्मच वनीला एसेंस और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूध में ही वनीला एसेंस भी डाल दिया है और दूध को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो अब मैं जो केक टिन है उसे ग्रीस करूँगी। तो सबसे पहले हम इसे घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं मैदा से इसे डस्ट कर रही हूँ, आप चाहें तो बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से यहाँ पर मैंने घी इस पर लगा दिया है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक चम्मच मैदा और मैदा को एकदम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे पूरे केक टिन में। तो अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो इस तरीके से भी आप टिन को ग्रीस कर सकते हैं, बिल्कुल भी केक इसमें चिपकता नहीं है। तो केक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ एक कप चीनी, पिसी हुई चीनी यहाँ पर मैंने यूज़ करी है, और इसमें डाल देंगे आधा कप रिफाइंड ऑयल और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चीनी और ऑयल को मैंने एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ डेढ़ कप मैदा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक कप मैदा मैं इसमें डाल रही हूँ। तो अब आधा कप मैदा भी इसमें डाल देंगे। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप कोको पाउडर। तो अब इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा लिया है और पिंच ऑफ सॉल्ट यहाँ पर मैंने इसमें डाला है। तो अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब यहाँ पर जिस मिल्क में हमने विनेगर ऐड किया था उसको हम थोड़ा थोड़ा कर कर इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पर आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, तो अभी भी थोड़ा थिक है, बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर मैंने इसे मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा दूध लास्ट में थोड़ा और बचा था, इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे।
तो थोड़ा इस कंसिस्टेंसी का ही हमें बैटर चाहिए जो कि बिल्कुल रेडी है अब। तो केक का बैटर अब रेडी है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये नट्स। तो यहाँ पर सारे नट्स हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब इसे अच्छे से स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेंगे। तो बिल्कुल चॉकलेटी ये केक बनेगा और नट से भरा हुआ बहुत ही टेस्टी केक बनकर तैयार होगा। तो बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर मैंने इसे मिक्स कर लिया है और नट्स डालते ही बहुत शाइन आ गई है केक में अब। तो केक का बैटर तैयार है, केक टिन में हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो सारा बैटर यहाँ पर मैंने केक टिन में डाल दिया है, एक दो बार हम इसे टैप कर लेंगे। तो यहाँ पर डेकोरेशन के लिए थोड़े से काजू यहाँ पर मैंने दो पीसेस में कट करके रखे हुए हैं और इन्हें हम डेकोरेट कर लेंगे अब इस पर। तो केक टिन जो है वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है और मैंने इसे डेकोरेट भी कर दिया है। और अब हम अवन में केक टिन को रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने अवन को प्रीहीट कर लिया था पहले ही और अब हम इसे कन्वेक्शन मोड पर 180 डिग्री सेल्सियस पर 45 मिनट्स के लिए यहाँ पर मैं टाइमर सेट कर रही हूँ और अब हम इसे स्टार्ट कर देंगे। तो 45 मिनट्स में बिल्कुल अच्छे से बेक हो जाएगा केक। तो देखिए फ्रेंड्स, 45 मिनट्स हो चुके हैं, केक आप देख सकते हैं बिल्कुल रेडी है और बिल्कुल अच्छे से ये बेक हो गया है। और नाइफ की मदद से हम इसकी साइड्स को भी हटा लेंगे। तो अंदर से भी बिल्कुल अच्छे से बेक हो गया था केक। तो एक प्लेट की मदद से मैंने केक को टर्न कर लिया है और एक दो बार टैप करने से ही बिल्कुल अच्छे से रिलीज़ हो गया था ये। तो आप देख सकते हैं बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत ही अच्छा केक बना है। तो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पॉन्जी ये केक बनकर तैयार हुआ है और बिल्कुल अच्छे से बेक हो गया है। तो आप भी इस बार क्रिसमस पर या फिर न्यू ईयर पर ये फ्रूट्स एंड नट केक ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजीली केक बनकर तैयार हो जाता है। तो मैं अब आपको इसको कट करके दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्टली केक कट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर से भी बहुत ही अच्छे से बेक हो गया है केक और बहुत ही चॉकलेटी और बिल्कुल नट से भरा हुआ केक ही बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।